नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में गंगा और अन्य नदियों के कायाकल्प के लिए बच्चों और युवाओं को जागरूक करने हेतु चाचा चौधरी के चरित्र के साथ जोड़कर नमामि गंगे ने नव सृजन फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को गंगा स्वच्छ का संदेश दे रही कॉमिक्स का वितरण किया। विदित हो कि बच्चों और युवाओं को गंगा और अन्य नदियों की सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए लोकप्रिय कॉमिक बुक चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट द्वारा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के महत्व के बारे में बच्चों के भीतर जागरूक पैदा करना है। रविवार को चेतगंज स्थित नव सृजन फाउंडेशन के कार्यालय में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि यह पुस्तक बच्चों को शिक्षित करेगी और उन्हें जल संसाधनों के संरक्षण और नदी के विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। चाचा चौधरी और साबू यह प्रतिष्ठित चरित्र पर भारतीय के दिल में गहराई से बसा हुआ है। देश की नदियों को बचाने के लिए भारत के लोगों की एक सामुदायिक पहल के रूप में जल आंदोलन से जन आंदोलन में बदलने के लिए इस कॉमिक बुक श्रृंखला को लाया गया है, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है। नव सृजन फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति जायसवाल ने कहा कि नमामि गंगे के इस अनोखे प्रयोग को बच्चों ने भी बहुत सराहा है। अपने पसंदीदा किरदार द्वारा दी गई स्वच्छता की सीख लेकर छोटे बच्चे स्वच्छता के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ल, नव सृजन फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रीति जायसवाल, राजेंद्र गुप्त, बीना गुप्ता, सुशील प्रजापति, बीना चौरसिया एवं नव सृजन फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे भी शामिल रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने नव सृजन फाउंडेशन के तत्वावधान में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात पत्रिका का वितरण किया है। यह पत्रिका जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रकाशित की गई है और इसका लक्ष्य उद्देश्य यह है कि हम गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता के संदर्भ में जागरूक हों और नदियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। आज नव सृजन फाउंडेशन के बच्चों ने हम सभी से यह शिक्षा प्राप्त की है कि हमें नदियों का संरक्षण और नदियों के किनारे किस प्रकार स्वच्छता बनाए रखनी है। हमारे साथ नवसृजन फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति जायसवाल जी हैं और नमामि गंगे टीम के लोग हैं, नवसृजन फाउंडेशन के संरक्षकगण हैं और हमने यह पूरा प्रयास किया है कि जो बच्चे हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं उनको पर्यावरण संरक्षण की सीख दी जाए और इस सीख के माध्यम से वह अन्य अपने आस पड़ोस के लोगों को, परिवार के सदस्यों को स्वच्छता के बारे में बताएंगे और निश्चित रूप से चाचा चौधरी और साबू इस पत्रिका के माध्यम से स्वच्छता की सीख दे रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी मनभावन है और बच्चे सरलता पूर्वक इन बातों को सोचकर समझकर और स्वच्छता के संदर्भ में आगे बढ़ सकते हैं। हमने यह संकल्प लिया है कि गंगा और प्रत्येक स्थल स्वच्छ दिखाई दे ताकि गंदगी दूर हो और हम सभी को मालूम है कि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। आइए मिलकर हम संकल्प लें कि हम अपने समाज से गंदगी दूर भगाने में हम सब मिलकर कार्य करेंगे और सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं गंगा किनारे गंदगी नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। गंगा तट पर कपड़े, पॉलिथीन, अन्य गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे,
से, और से तन मन और धन से संरक्षित रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गंगा का किनारा साफ सुथरा रहे इसके लिए सभी को जागरूक भी करेंगे। गंगा मैया की भारत माता की यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।